दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ पूरा देश अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर दिवाली मना रहा है, वहीं गणतंत्र दिवस भी सिर पर है। दोनों आयोजनों को लेकर पंजाब का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी कड़ी में आज अबोहर नगर थाना 1 के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में शहर में कड़ी नाकेबंदी की गई और हर आने जाने वाले वाहन चालक की जाँच की गई। इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि किसी भी असामाजिक तत्वों को सिर नहीं उठाने दिया जाएगा और उसे पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अगर संदिग्ध वस्तु या लोगों को देखें तो उसकी सूचना पुलिस को दें ताकि शहर में अमन शांति को बरकरार रखा जा सके। इस मौके पर उन वाहनों के चालान भी काटे गए जो ट्रैफिक नियमों का पालन करते नहीं पाए गए। पुलिस ने ट्रिपल सवारी, कागज पूरे नहीं रखने वाले, नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले, वाहनों की मॉडिफिकेशन करवाने वाले और पटाखे चलाने वाले बुलेट मोटरसाइकिलों के चालान काटे और कईयों को चेतावनी देकर भी छोड़ा। जैन जी, जिदा कि सारे पता ही है कि 26 जनवरी का दिहाड़ा आ रहा जी, तो सारे एक अपील भी है जी, सारे वोट की पर्टिकली अपील है जी कि देखो जिथे भी कोई शक्ति वस्तु असं देखते हैं या कोई बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन या होर मार्केट प्लेस से, वो बारे सानू इमीजिएट इनफॉर्म किया जाए ता कि जो उसनू जोड़ा लेवल पर ही समाप्त किया जा सके। सो नैक्सट ये है कि डे बाई डे जड़िया डेली जड़िया बेसिस से टीम जड़िया ने नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन जोड़े साढ़े चलते रहेंगे और ये कंटिन्यूस टिल 26 तक रहेगा जी। और जो भी सानू कोई चीज़ उदा की मिलेगी या शक्की हालातों के कोई कुछ मिलेगा असं वे बनती कानूनी कार्रवाई करा। थैंक यू जी।